महाराज भोलेनाथ भी सब जगह उनको लोग श्मशान में रहते, यहाँ रहते, कैलाश में रहते, तो हमारा वृंदावन कैसो जगह है, यहाँ महाराज वो भी पूरे श्रृंगार रस में रहते हैं भोलेनाथ। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ श्मशान में रहने वाले भी श्रृंगार रस में रहने लगे। ये ब्रज की महिमा है। दुनिया में अगर कहीं कोई निराशा हताशा हो और ब्रज में प्रवेश कर गए तो महारास और आनंद में प्रवेश कर जाओगे। श्रृंगार आनंद प्रेम यहाँ बहती है महाराज, यहाँ के तो मोड़ी में बहती है। पंचामृत जिनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े वेद वेदज्ञ सुतज्ञ लगे रहते हैं, सो हमारे ठाकुर तो पंचामृत को नालियों में बहवा देते हैं। बहाओ इसको, हटाओ, हड़िया फोड़ फोड़ के नालियों में, गोकुल और वृंदावन की नालियों में वो रस, जिस रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि तरसते हैं, गोकुल और वृंदावन की नालियों में तब नहीं। अगर आज भी चिन्मयी दृष्टि है तो आज भी वो रस बहते हैं। बस देखने वाला, समझने वाला, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से अगर कोई देखे तो उसको आज भी मिलेगा, नहीं तो ये रोडे ही मिलेंगे फिर। हमारो गली में ऐसे हो गो, हमारो तो ये कबड़ गयो, हमारो ये निकल गयो, वही देखो फिर। वृंदावन आए हैं तो वृंदावन में कन्हैया देखने आए हैं। और दो चार दिन के लिए जो आप लोग आते हैं टीवी वाले, आप लोग यहाँ ध्यान ज्यादा आकर के दे दिया करो, कछु बनवाए दो तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा है तो बढ़िया बनवा दो, यहाँ पर सुंदर बना दो वृंदावन को और कर दो, पर यहाँ वो देखने मत आया करो। एक दो दिन के लिए आते हो तो आओ तो इस भाव में आओ कि जहाँ कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से और कन्हैया के द्वारा ही हो रहा है। हर जगह उनकी अनुभूति प्राप्त करके जाओ, नहीं नली और गली देख करके चले जाओगे। नली गली देख के चले जाते लोग। कोई आवे वारो है का? नहीं बता दियो, हम आऊं ऐसे करके थोड़ी देर के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पाणे जी जिसको कहें वही मोर देव देव। हम उतने चुटकुला फुटकुला सब सीखे नहीं, जानते नहीं। हमारा तो आनंद विनोद रस बस यही, ऐसे ही 7 दिन तक चल रहा है महाराज। कितना आनंद है बताइए। अब कोई मुंह बना लेता कि हमारा नाम गुरु जी ऐसे लेते तो हम नहीं बनाते, पर हम तो नाम लेवे तो पांडे जी तो पहले 100 किलो के हैं और हम नाम लेते के साथ 120 किलो के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं तो आनंद आ जाता है। पर कोई रिसीव कर रहा है अच्छे से तो आनंद है, रिसीव नहीं करते तो बात अलग है। और हमको रिसीव करके वही लाए हैं तो हमारा तो हक बन रहा है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोले का कम है। तो भगवान उद्धव को ज्ञान दे देते हैं, उद्धव देख पाते हैं, ओहो इन ब्रज गोपियों से तो मुझे भक्ति सीखनी चाहिए। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। हमारो योग भोग हमारो तपस्या व्रत सब इसी में है। उद्धव सीख कर वापस आते हैं और भगवान के सामने कहते हैं कन्हैया तुम बड़े कठोर हो। भगवान कहे काम तो बन गया लगता है। जो आदमी हमको कठोर कह रहा है मतलब रंग चढ़ गया, गोपियों का रंग चढ़ गया, किशोरी जी की कृपा और आनुगत्य इसको प्राप्त हो गए उद्धव जी को, और किशोरी जी का आनुगत्य मिले इसीलिए भगवान ने भेजा उद्धव को कि किशोरी आनुगत्य आपको नहीं मिला है, लाडली का आनुगत्य नहीं मिला, जाओ प्राप्त करके आ जाओ। अब तो उद्धव महाराज श्री कृष्ण के ऐसे मित्र भय, ऐसे छाया भय कि भगवान अपने हृदय की बात उद्धव से कर लिया करते। उद्धव हमको तो कल सात्विकी का नाम लेके हमारे जो महाभारत सीरियल में भीष्मक का रोल किए हुए हैं, आप कल रात्रि में 11 बजे हम सब बैठे थे, खूब आनंद हुआ 1 घंटे तक। बड़ा शूटिंग के दौरान कैसे कैसे आनंद होता, क्या क्या पढ़ना होता, बहुत आनंद मिला। तो उन्होंने कहा कि हमने बीआर चोपड़ा से कह दिया कि सात्विकी के हाथ से हम नहीं मरेंगे, हमको कैसे आप मरवाइए तो ठाकुर के हाथ से मरवाइए करके। और बोला अरे आपको क्या मतलब है, आपको तो चुपचाप पैसे से मतलब है, हम जिससे मरवा दें मर जाइए। बड़ी हंस रहे थे बोल के, बहुत आनंद भयो। बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या होता है वो आनंद भी अलग है, आनंद लीजिए। एक बार कहा कि आपको जो है गिरा के गदा गदा मारेगा,
कौन ने, हमें तो याद नहीं है कि किसके द्वारा पीटे जाएंगे। इन्होंने इनकार कर दिया, बोला हम पहलवान हैं भारत के, भारत के नामी पहलवान हैं, बहुत निष्णात पहलवान महाराज, और हम पिटके जाएंगे अपने गांव में तो हमें लोग रहने देंगे कि पिटवे गए हो कि रोल करने गए हो? तो वो रोल ही हटा दिया गया इनको मारने वाला। ऐसे हमारे बड़े दिव्य और बड़े सरल बड़े अच्छे, कल हम पहली बार मिले पर इतना आनंद आया, आपने इतना सरल भाव से कहा, मैं आपको ऐसे YouTube पर यहाँ वहाँ देखता था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आने की मिलने की, तो बड़ो आनंद भयो। और आज आपकी उपस्थिति में ही आपकी पुत्री का विवाह हम ठाकुर से कराए देंगे महाराज, और क्या दें आपको बधाई बोलो। हाँ, आपकी लाली को विवाह है जाएगा महाराज आज ठाकुर जी से, रुक्मिणी मंगल विवाह हो जाएगा ठाकुर जी का, भगवान की अद्भुत कृपा, यह भी कृपा ही है समझो, जिन्होंने भारतवर्ष में इस रोल को प्ले किया, और आज वही अनायास ठाकुर जी का देखो, आज रुक्मिणी मंगल विवाह है और भीष्मक जी उपस्थित हैं अपनी पुत्री का हाथ। और मैं तो कहूँगा इनसे शिक्षा लेकर के दुनिया के हर माता पिता अपने बालिका का हाथ ठाकुर के हाथ में धराए दें, पहले परमपति को, बाद में छाया प्रति को दियो जाए, वो जाको दी जाए। पति तो मूल ठाकुर जी हैं महाराज, उनके प्रति स्वामी तो वही हैं, स्वामिनी किशोरी जी और स्वामी हमारे ठाकुर जी, तो उनके साथ पहले गठबंधन हो जाए सबका दुनिया में, उसके बाद। वैसे भोलेनाथ का भी जो आप लोग पूजा करते हो ना, घबराना मत, पहले जोड़ेंगे वो ठाकुर ही से।